भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में अपना ये जो उसका 17 साल का कुशासन था उसका दौर खत्म होने से पहले, क्योंकि अब उनका अंतिम महीना है, ये भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं। और अभी लेटेस्ट तरीका जो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को और नगर निगम के बहाने लोगों को लूटने का इजाद किया है वो है डिजिटल क्लासरूम बनाने के नाम पर धोखाधड़ी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं के करीबी कार्यकर्ताओं के नाम पर एक एनजीओ बनाती है, उस एनजीओ का नाम है ड्रॉप इन ओशियन। इस ड्रॉप इन ओशियन के कार्यकर्ता, इस ड्रॉप इन ओशियन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सबके सब मिलके एक एनजीओ बनाते हैं और फिर नगर निगम के सरकारी स्कूल जो नगर निगम के अधीन आते हैं, पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाने का काम जो नगर निगम के था, उनको डिजिटलाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। नगर निगम के स्कूलों को डिजिटलाइज करने के प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम अपने ही कार्यकर्ताओं के एनजीओ ड्रॉप इन ओशियन को एमओयू करता है उसके साथ में, और उस एमओयू के बाद उसमें एमओयू में कहा जाता है कि ये एनजीओ सीएसआर का पैसा लेके आएंगे और स्कूलों को डिजिटलाइज करेंगे। अब देश भर में एनजीओ से सीएसआर का पैसा लेने का कोई गलत बात नहीं है, करते रहते हैं, लेकिन ये देश में किसी भी सरकार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एनजीओ को दिया गया कि ये एनजीओ सीएसआर का पैसा लेके आएगी, और फिर नगर निगम कहता है कि हमारे अफसर सीएसआर का पैसा इस एनजीओ को दिलवाएंगे। नगर निगम बाकायदा अपने सीनियर अधिकारियों की, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारियों की एक कमेटी बनाता है जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, इस तरह के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाती है कि आप सीएसआर का पैसा लेके आओ और इस एनजीओ को दिलवाओ। ये देश में पहली बार हुआ है, पहली बार इस तरह का नायाब तरीका निकाला है भ्रष्टाचार करने का कि पहले एक एनजीओ से सीएसआर के लिए करार कर लो और फिर उस एनजीओ को पैसा दिलवाने का काम हमारे सरकारी अफसर करेंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन करेंगे एनजीओ को सीएसआर दिलवाने का काम। और वो एनजीओ भी कौन है? एनजीओ का नाम है ड्रॉप इन ओशियन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के करीबी कार्यकर्ताओं की ये टीम है जो इस एनजीओ के रूप में काम कर रही है। मैंने आज दिल्ली सरकार से, रजिस्ट्रार के यहाँ से, इस एनजीओ का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एनजीओ कहाँ क्या काम कर रहा है कुछ नहीं पता, इसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई इस एमओयू में उसकी कोई डिटेल नहीं है कि इसने अब तक कितने महान काम किए हैं, सीएसआर से कितने महान काम किए हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ। बस एक एमओयू साइन किया गया कि ये सीएसआर का पैसा लाएगी, इसमें यह भी नहीं लिखा गया कि अफसर दिलवाएंगे सीएसआर का पैसा, लेकिन उसके बाद अफसरों की एक कमेटी बना दी गई कि ये अफसर अब एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिलवाएंगे, वो अफसर अब मार्केट में व्यापारियों को धमका रहे हैं इस एनजीओ को पैसा दो, इस एनजीओ को सीएसआर का पैसा दो। तो उस एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिलाने के लिए एक एमओयू भारतीय जनता पार्टी करती है अपने ही कार्यकर्ताओं के। फिर जब आज मैंने रजिस्ट्रार के यहां से इस एनजीओ के बारे में पता किया कि यह एनजीओ है क्या, कहां से आया एनजीओ, तो मुझे हैरानी हुई कि इसमें 8 नाम जो लिखे हुए हैं, 8ों के 8ों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के करीबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विनोद कुमार जी, संजय ग्रोवर जी, इंदु शर्मा जी, गिरीश मोहन बाकरी जी, अश्विनी शर्मा जी, सतपाल सिंह जी, रमेश चंद्र जी, सिमी पाठक जी, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदेश गुप्ता जी के एकदम नज़दीकी उनकी खास टीम के हिस्से हैं, और ये सब के लिए एनजीओ बना के अब दिल्ली नगर निगम अपने अफसरों से उगाही करवा रहा है कि इनके एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिया जाए, वो भी स्कूलों के स्मार्ट बोर्ड लगाने के नाम पर, वो भी कि ये सीएसआर का इनको पैसा दो। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता आपसे थक चुकी है 17 साल में, आपने पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचार का कूड़ा घर बना के रख दिया है, अब बस करिए,
आपके अब 17-18 दिन का शासन है, इसके बाद जल्दी से चुनाव करवाइए। नए नगर निगम का कानून आपने पास कर दिया है और जनता आपको यहाँ से पूरी तरह से विदा करने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के नए नए तरीके आप इजाद कर रहे हो उससे जनता अब आजीज आ चुकी है।